हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैंने तीन मोड्स ऑफ एसटीआर के कंडक्शन मोड, जो मैंने तीन मोड्स थे उस पर मैंने आपको बात की थी। जैसे पहला था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसमें वो ऑफ रहता है क्योंकि मैंने उस पर ट्रिगर पल्स नहीं दी थी, और तीसरा था आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जिसमें मैंने ट्रिगरिंग पल्स दी थी एसटीआर पे, उस केस में वो कंडक्शन मोड में आता है और वहाँ पर थायरिस्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो चलिए आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा मैं अपने पहले जो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड जो मैंने लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस सर्किट में एक एसी सोर्स है, एक यहाँ पे लोड मैंने लगाया है आर नॉट जिसका लोड करंट है आई नॉट, मैंने डिनोशन किया है। ये वीटी जो है थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है एसटीआर, और यहाँ पर मैंने सोर्स करंट किया है। सोर्स करंट विल बी इक्वल टू लोड करंट, दिस इज आवर एजम्पशन कि सोर्स करंट इज इक्वल टू द लोड करंट। तो चलिए अब मैं इसके पूरे एनालिसिस की बात करता हूँ केबल के साथ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा मैं क्या बोलते जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपके लिए कंसीडर कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी साइकिल, मींस पॉजिटिव हाफ, कि पॉजिटिव हाफ में क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थायरिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई कर दी है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव यहाँ से घूम के आएगा टर्मिनल, और यहाँ पे जो आपका थायरिस्टर है वो एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। होप यू ऑल हैव क्लियर कॉन्सेप्ट, तो मैंने पहले भी डिक्टेट कर चुका हूँ। यहाँ पे करंट जो है, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है, ये I0 करंट से मैं पूरा डिनोट कर दे रहा हूँ, ये पूरा लोड करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। तो देखिए शॉर्ट सर्किट है, I0 करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो मैं यहाँ पे केबल एनालिसिस लगाता हूँ, ये VS मान लेता हूँ सोर्स वोल्टेज का। तो यहाँ से मैं एंट्रिंग टर्मिनल के लिए मान रहा हूँ यहाँ से करंट निकल रहा है, तो माइनस VS, शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज जीरो होता है तो मैं पहले लिख देता हूँ क्लियरिटी के लिए, ये प्लस VT होगा क्योंकि यहाँ पर ये VT मैंने माना था, और यहाँ पे लोड करंट के क्रॉस में जो वोल्टेज है मैं इसको V0 मान लेता हूँ, तो ये और ये प्लस ये माइनस, इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है, तो प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो बाय केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज जीरो होता है जैसे मैंने पहले भी आपको डिक्टेट कर चुका है, तो इसको मैं जीरो एज्यूम कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका रिजल्ट माइनस वी एस प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वी नॉट इक्वल टू वी एस, सिंपल रिलेशन है वो भाई सबको क्लियर होगा। VS के क्रॉस यहाँ पे पूरा जो सोर्स वोल्टेज है वही यहाँ पे पूरा यहाँ पे आकर ऑकर होगा। तो मैं यहाँ पे अब एसी सोर्स है तो मैं इसको एज अ एसी एसी जो पल्स है उसको मैं एक डेजिग्नेशन दे दे रहा हूँ Vm sin ओमेगा t, क्योंकि हम एसी एनालिसिस भी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर एनालिसिस ज्यादा नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं ना कि ट्रांजिएंट स्टेट की। तो मैं Vm sin ओमेगा t यहाँ पे मैं एज अ एसी सोर्स को ले ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी Vm sin ओमेगा t। इससे क्या होता है कि हमें एनालिसिस में काफी इजी होता है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो ये होगा V0 equal to Vm sin ओमेगा t, ये हम लिख के रख लेते हैं। ये पहले हाफ का, सेकेंड हाफ में मींस नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ में क्या होगा, आप देख सकते हैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मींस एसी साइकिल की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई, इसका जो न्यू फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ पे थायरिस्टर को ओपन सर्किट पहले डिनोट कर रहा हूँ लेकिन मैं समझाता हूँ आपको कैसे होगा, ये माइनस ये प्लस। तो क्या होगा, थायरिस्टर यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, थायरिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे माइनस आएगा, इसके अक्रॉस यहाँ पे प्लस आएगा, मीन्स ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं जा पाएगा और ये यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ गया। आप ट्रिगर पल्स देते रहिए लेकिन ये यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में है, तो होप आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा कि यहाँ पे ये रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया, इसलिए ये कंडक्शन मोड में नहीं रहेगा, बस पोटेंशियल यहाँ पे पूरी इसकी ऑकर होगी। यहाँ पे जो भी वी एस है ये इसके नेगेटिव वेव है, इसमें नेगेटिव इसकी पोलैरिटी के साथ यहाँ पे माइनस वी एस ऑकर होगा, और यहाँ पे जो लोड वोल्टेज लोड करंट यहाँ पे जो होगा आई नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ ओपन सर्किट है, और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था आपको कि वहाँ पे दो तार के अगर हम ओपन कर देते हैं तो वहाँ पे करंट जीरो रहता है लेकिन पोटेंशियल शो होता है, पोटेंशियल मिलेगा आपको
देखिए आपको यहाँ पे वो दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीएस मिल रहा है लेकिन करंट जीरो है। तो ये दो एनालिसिस थे इसके, जिसमें मैंने आपको पूरा इसकी वर्किंग समझाई है। अब चलते हैं इसके वेवफॉर्म पे, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये पहले थोड़ा सा बना के रखा है। तो देखिए ये बीएस है आपका साइन ओमेगा टी का पूरा ग्राफ है जो मैंने वहां पे डिक्लेयर किया है, वीएम साइन ओमेगा टी बीएस सोर्स वोल्टेज। अब मैं आपको यहाँ पे थायरिस्टर को ट्रिगर करूंगा। तो यहाँ पे फायरिंग पल्स दिया मैंने आईजी, आईजी से इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो थायरिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आप उसे फायरिंग पल्स नहीं देंगे। मींस यहाँ पे मैंने थोड़ा डिले लेके किया है, इसको फायरिंग एंगल अल्फा भी बोलते हैं, जिससे मैंने लेटर से इसको 30 डिग्री बोल दिया। तो ये और ये इसकी एक्सिस है, तो यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूँ, इससे आपको मोर क्लियरिटी है। और ये अल्फा है। तो यहाँ पे एक और अगर आपको पीरियोडिसिटी देखनी है तो मैं एक और पल्स ले ले रहा हूँ डिले के साथ, जिससे ये होगा आपका 2 पाई, ये होगा आपका 2 पाई, तो ये होगा आपका 2 पाई प्लस अल्फा। होप यू हैव मोर क्लियरिटी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 30 डिग्री लिया। अब थायरिस्टर तब तक ऑफ रहेगा जब तक मैं यहाँ पर फायरिंग पल्स नहीं दिया। तो मैंने इस पॉइंट पे फायरिंग पल्स दिया, तो यहाँ पे थायरिस्टर कंडक्शन मोड में इसी पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे लोड करंट जो जैसे आपको देख रहे हैं, लोड करंट इक्वल टू सोर्स करंट, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जीरो होता है, लेकिन करंट तो सेम रहेगा। यहाँ पे जो आईएस जा रहा होगा वही यहाँ पे आई नॉट बन के आएगा। तो एक बेसिकली वो कॉपर वायर की तरह पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो वेवफॉर्म कुछ ऐसा रहेगा कि इतने दूर तक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से वो एसी पल्स को ट्रैवल करेगा। ये चीज इसको शेड कर दे रहा हूँ, इससे आपको मोर क्लियरिटी रहे। आप इतने पार्ट में देखिए ये इसको पूरा ट्रेवल करेगा। रेजिस्टेंस है, उसके बाद सेकंड हाफ साइकिल में मींस यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आपको दिख रहा है। नेगेटिव हाफ में आपका यहाँ पे थायरिस्टर जो था वो ओपन सर्किट था, मींस करंट जीरो। तो यहाँ पे हम इसे एक्सिस के ही एक्सिस पे ही इसको शो कर दे रहे हैं, और ये तब तक ऑफ रहेगा जब तक इसे नेक्स्ट फायरिंग पल्स नहीं मिलेगा। अब कई लोग का कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे आपका पॉजिटिव हाफ में चलेगा तो थायरिस्टर वहां से क्यों नहीं कंडक्ट किया। तो मैं पहले भी अभी जैसे बता रहा था कि थायरिस्टर तभी तक ऑफ रहता है जब तक उसको फायरिंग पल्स नहीं देते हैं। मैं यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा पे फायरिंग करूंगा, तो ये तब तक यहाँ पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आने के बाद भी ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको फायरिंग पल्स दिया, यहाँ पे एक न्यू फायरिंग पल्स दूंगा, सपोज अल्फा यहाँ पे 30 था तो सेम फायरिंग एंगल है लेकिन 2 पाई प्लस अल्फा है, तो मतलब 2 पाई प्लस 30 डिग्री यू कैन से। सो यहाँ पे फिर से ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा। होप यू हैव मोर क्लियरिटी। अब आते हैं वी नॉट पे। वी नॉट जो था वो सोर्स वोल्टेज के बराबर था, लेकिन थायरिस्टर के क्रॉस तभी वोल्टेज शो होगा, सॉरी लोड के क्रॉस तभी वोल्टेज शो होगा जब थायरिस्टर कनेक्शन मोड में आएगा। तो थायरिस्टर का जो सोर्स करंट का लोड करंट का जो वेवफॉर्म है वो एज इट इज रेप्लिका है वोल्टेज वेवफॉर्म का जो आउटपुट पे मिलेगा। तो इट विल बी सेम एज दैट ऑफ आई नॉट सी हियर। अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा छोड़ देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इट विल बी इन ओमेगा टी। प्लीज टेक केयर, ये ओमेगा टी के फॉर्म में चलता है, नहीं कि टी के फॉर्म में। कई लोग इस पर गलती कर देते हैं, इसे टी के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, लेकिन वो ओमेगा टी पे चलता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। वहां पे आप एसी सोर्स वोल्टेज में देख सकते हैं। तो थायरिस्टर क्या है, थायरिस्टर में फर्स्ट हाफ में जब मैं कंडक्शन मोड में देखता हूँ तो कंडक्शन मोड में शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट मींस वोल्टेज इज जीरो। मैं इस बात पे बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी आएगा और आपको आगे हो सकता है कि आगे आपको ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी वेवफॉर्म समझने में। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से लिख लें कहीं पे बॉक्स बना के, कि वोल्टेज
अगर यहाँ पे कंडक्शन मोड में अगर थायरिस्टर है तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो होता है, मीन्स हम इसे एक्स एक्सिस पे ही शो करेंगे। नेक्स्ट हाफ में जब थायरिस्टर ऑफ हो जाता है तब हमें पोलैरिटी मिलती है यहाँ पे वी एस की, लेकिन वो निगेटिव हाफ में मिलती है, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी इसकी यहाँ पे रिवर्स जाती है माइनस प्लस से, तो जो इसकी पॉजिटिव हाफ की जो रेप्लिका थी वो इसका निगेटिव फॉर्म में मिलेगा हमें। तो निगेटिव फॉर्म में मिलने का मतलब ये है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका नेगेटिव हाफ साइड के लिए एसी का पूरा रिप्लिका यहाँ पे हमें मिलेगा वीएस का माइनस वीएस के फॉर्म में, ये मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ माइनस वीएस, जैसे क्या वो दिख रहा है। और ये फिर इसे तब तक कॉपी करेगा जब तक हम इसे कंडक्शन मोड में दोबारा से नहीं ले आते हैं, तो मतलब ये तब तक एसी साइकिल इसे कॉपी करते रहेगा, और जैसे ही हमने इसको कंडक्शन फिर से फायर किया वो फिर से जीरो हो जाएगा। मीन्स इस पॉइंट पे अगर इसे देखा जाए तो ये पहले से भी साइकिल चलती आ रही है, बिकॉज साइन सिग्नल्स आर साइनसोइडल सिग्नल्स आर पीरियोडिक इन नेचर। हम नेगेटिव हाफ में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव हाफ में भी सेम प्रोसेस चल रही होगी। तो यहाँ पे मैं इसलिए बना दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने पहले नहीं बनाया, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि इतना पॉइंट पे ये आ रहा था तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा। तो ये आपका हुआ आर रोड का वेवफॉर्म। तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये वेवफॉर्म आपको पूरे अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि काफी न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं गेट प्लस ईएस और काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, कि हमें वेवफॉर्म पूरे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, माइंड में सेटअप होनी चाहिए, और हर लोड का अलग अलग अभी वेरिएशंस होंगे तो काफी सिमिलैरिटी रहेगी। जैसे मैंने अभी सेम कॉन्सेप्ट बताया, मैं आगे भी आपको इसी तरीके से वेवफॉर्म बताऊंगा, लेकिन आपको ये वेवफॉर्म पूरी याद होनी चाहिए और कैसे कैसे ये वेवफॉर्म बन रहे हैं ये आपको मगअप नहीं करना है, इसे आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, क्योंकि पूरा मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया है कैसे शॉर्ट हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, क्यों है वेवफॉर्म, क्यों यहीं आ क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव हाफ में क्यों आ रहा है, मैंने पूरा डिराइव किया है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, पूरा केवल एनालिसिस है, तो आपको होप ये पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। अब मैं चाहता हूँ इसके एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज और पावर फैक्टर के रिजल्ट्स पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशंस हम यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल में आर रोड के क्रॉस पूछता है। तो चलिए उस पर चलते हैं।